बता नहीं सकता हूँ, क्या बोलूँ। पूरा कपड़ा भीगा पड़ा है, पानी निकल रहा है इसमें से, सूज में से पूरा। दो लड़कियाँ गाड़ी के अंदर घुस गई। अब हम लोग के साथ क्या हुआ है? तुरंत छोड़ दिया। अब हम लोग के साथ चाय आता है बनाने। तुम्हें बातें बनानी बहुत अच्छी आती है। सैंडविच आता है। कौन सा गेम खेल रहे हो? चाचू को भी सिखा दो। मैं जब श्याम बबुआ को अपने नहीं खिला पाया हूँ। ले लिया बेटू बाबू। अरे मेरा बेटा। और 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 पापा 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 पापा। इसमें जब श्याम बबुआ को अपने नहीं खिला पाया हूँ। ले लिया भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं ना, कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान भोलेनाथ हमेशा उनका साथ देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अमेजन किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस स्थिति से आया हूँ भाई साहब, बता नहीं सकता हूँ, क्या बोलूँ। इतनी बारिश और मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं और सूज में एकदम पानी घुस चुका है। भाई साहब देखते हैं सूज में कितना पानी है। पूरा अंदर सोख लिया है पानी। इतना बारिश भाई साहब, ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी। फाइनली मैं साफ सुरक्षित पहुंच चुका हूं घर पे। और मतलब कि अगर मैं अपने आप को दिखाऊंगा ना, पूरी तरीके से भीगा हुआ एकदम। ये देखो, मुझे देख रहे हो, पूरा कपड़ा भीगा पड़ा है, पानी निकल रहा है इसमें से, सूज में से पूरा। इतना खतरनाक बारिश है। चलो देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि किट्टो को ऑलमोस्ट बहुत फोन आ गया है। और अभी मैं जो बात बताऊंगा पहुंच। सॉक्स पूरा गीला हो गया है, जूते के अंदर पानी घुस गया है। कब भाई साहब किट्टो, बहुत किस्मत से आया हूँ मैं। तुम्हें बताऊँ कैसे आया हूँ? जैसे ही क्या बोलते हैं हम पानी के, हमसे वेट करें, रुक जाए, नहीं रुका, चलो निकलते हैं। निकले और तेज बारिश होने लगी रास्ते में। तो चलो आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। दो लड़कियां गाड़ी के अंदर घुस गई। भाई साहब गाड़ी के अंदर, मतलब वो कौन ट्रक व्रक नहीं था, वो छोटी गाड़ी थी, i20 थी। हाँ। आ रही थी बेचारी, उसने क्या बोलता है ब्रेक मारा, वो दोनों उसमें घुस गई। एक के यहाँ लगा, एक के यहाँ लगा। मुझे लगा लड़के हैं, तो मैंने अच्छा, आपके स्कूटी से, जो जब स्कूटी मेरी स्कूटी से नहीं, दो लड़के आप स्कूटी से आ रहे थे तब देखे हैं। हाँ, तो मैं रुका, फिर मैं कहा उठा देता हूँ भाई, फिर मैं अपनी गाड़ी साइड में रोका, गया उठाने के लिए। फिर और भी पब्लिक आ गई, सबको उठा, फिर देखा दोनों लड़कियां थी, फिर ले गए साइड में उनको बैठा। एक यहाँ दांत से खून निकल रहा था, उनकी स्कूटी स्टार्ट किया। मैं कहा ठीक है आप लोग निकलो, डॉक्टर को दिखा देना। फिर मैं अपनी स्कूटी पे गया, उनको बचाया, अपनी पे गया, मेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इतना पानी भरा हुआ, बारिश तेज। अब मैं कहा भैया क्या करूं, खूब सेल्फ मारा हूं, किक मार के थक गया। 5 मिनट हो गए, नहीं सब गाड़ियां जा रही हैं, तेज तेज गाड़ियां जा रही बारिश में, और रोड एकदम रोड। दिमाग खराब, मैं क्या करूं। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे प्रभु। एक मिले A2 के, कौन सा 600 कुछ बताया उन्होंने अपना फ्लैट A2। वो बोले कि कहाँ जाओगे, मैं बोला भैया मैं तो यहाँ पे जाऊंगा। तो बोले कौन सोसाइटी में रहते हो, मैं कहा इस सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा यहाँ पे रहते हो आप, बोले राधा डेयरी ना, मैं कहा हाँ। बोला उसके आगे वाला ना, बोले हाँ मैं भी वहीं रहता हूँ, आप चलो बैठो, मैं धक्का मार रहा हूँ। वो भाई साहब मैं बैठा हूँ, वो इतना बढ़िया तरीके से मुझे ले करके आ गए। जब यहाँ राधा डेयरी के पास पहुंचा, बोला रुकिए एक बार मैं अपना गाड़ी चेक कर लेता हूँ, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, यहाँ तक मुझे लाके छोड़ दिया। फिर मैं उनको बोला कि मैं भगवान भोलेनाथ को मना ही रहा था। भाई साहब डर लग रहा था, क्योंकि इतना तेज तेज गाड़ियां जा रही थी, मैं फंसा हुआ स्कूटी लेकर। हम लोग के साथ क्या हुआ है? तुरंत छोड़ दिया। हम लोग पार्क में गए थे, और पार्क में गए एकदम मौसम सही था ना मम्मी, मतलब खाली बादल था। जैसे एक वहाँ वीडियो बनाए,
खूब गोला गोला ऐसे की वो दौरा आ गया, वो आ गया क्या घुमंडल। और फिर हम एक बार आया तो हम लोग उधर थे, जब दोबारा आया तो ऋषभ जा रहा था, पहले आगे आगे मम्मी थी फिर ऋषभ भगा और टीला की उसमें जाकर जा रहा था, तो हम कहीं ऋषभ कहीं उसमें फंसा और टीला की ना खड़ा ऋषभ कहीं फंसा कर ना ऊपर ना ले जाए इसको, जैसे हम पकड़े और जब टीला के पास कुछ फाड़ 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 आने लगा तो हमें मम्मी अब हम लोग भागे वो रास्ता दूसरा रास्ता पीछे वाला रास्ता लिया। अब भाई उधर जाती हम रास्ता ही नहीं दिखा था किधर से भागी, पूरा पेड़ पौधा खूब झंझन झंझन झंझन, अब देखा थी भाई टीला उधर आए क्या बता, अब हम किधर भागी मम्मी 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 में जान बचाए टीला उधर उधर रात रहना अब टीला कहां था लगा इधर यहाँ बकरिया में बंद नहीं है जो बाउंड्री बनी हुई है, हम तो सोच रहे कि नहीं एक बड़ा सा हम सोचा अब टीना उधर जाता किधर जाए, मम्मी तो नहीं मम्मी सब है मम्मी पड़ा नहीं गिरी गड़ा हाथ से नीचे उठे कर रही थी चलो बाबू को लेके चलो मम्मी हम नहीं जाएंगे मम्मी कहा उठाई कैसे अब पेड़ मम्मी कहीं उठाई थी तो कहीं पेड़ उठाए चलते जान बचाए पेड़वा कर वाली बात वो मुझे यहाँ 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 तक ला करके छोड़े धक्का मार मार के। हाँ आपको फोन लगाया था उठाए नहीं तो हम चाहते फोन लेके चलेंगे फोन नहीं पता चला ना तो हमें सोचे यार कार बढ़िया होता है कार लेके चलो साला पानी बरसात धूप बारिश होते अभी हो ही जाते जी तेजी हम लोग बंद किए पता नहीं चले बहुत खत्म बहुत बारिश है लोग कपड़े चेंज कर लो पापा तूफान आए बैठे पापा तो गाड़ी के अंदर होंगे ना चलो जाते ही सबसे पहले मैंने अपना गरम पानी से नहा लिया हूँ और आज बारिश भाई साहब बारिश बहुत ही खतरनाक लेवल की थी आज, अभी भी हल्का फुल्का बूंदी गिर ही रहा है। चाय पी लेता हूँ गर्मा गर्म, मम्मी ने चाय बनाया चाय पी लेता हूँ फिर मिलता हूँ, पहले चाय पी गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ मैं। सची तुम क्या बना रही हो? अरे कुछ नहीं हम देख रहे आलू को। नहीं तुम चलो कुछ काट के लो फ्रेंच फ्राई बना लो। हमको हमको नहीं आता। हमको मैगी और चाय। आज क्या बन रहा है मम्मी? दाल चावल बना है, भुजिया बना दे रहे हैं। आलू मुझे देखो क्या क्या आता है, चाय आता है बनाने, तुम्हें बातें बनानी बहुत अच्छी आती है, सैंडविच आता है तुम्हें सोनाची बातें बताने बहुत अच्छे से आता है। बारिश का लेवल देखते हैं भाई साहब, वो वाली गाड़ी कल मैंने वहाँ लगा दी थी, एक ऊपर वाले फ्लोर की थी वहीं लगी हुई तब से, स्विमिंग पूल में तो बारिश का ही पानी भर गया है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। सोनाची उसको सही से खोलो, बाबू का है ना वो, ऋषभ तुम कहाँ हो? ओ माय गॉड ऋषभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो सौरा लाइट ऑन करके? रे बाबा रे सोफा भी किसका दिया? सोफा तो तुम किसका आए होगे? कौन सा गेम खेल रहे हो? चाचू को भी सिखा दो। चाचू पता ही नहीं तभी क्या करूं? तो तुम सिखा नहीं सकते चाचू को? नहीं सिखाएंगे। क्यों? नहीं सिखाएंगे मुझे। सिखा दो ना। नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे। तुम मेरे बेटे नहीं हो? नहीं सिखाएंगे। तुम मेरे बेटे हो कि नहीं? नहीं सिखाएंगे। तुम बेटे हो कि नहीं? तुम बेटे हो ना? तुम तो पहले बोलते थे हम तुमको सब सिखा देंगे। ले लिया? कल कैसा लगा कल का प्रोग्राम? मुझे नहीं अच्छा लगा। क्यों? तुम तो मैं देखा खूब खाए हो कल। नहीं खाए। नहीं खाए? और ये देखो हमारा तो लाइट में थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि जब ऋषभ ही सिर्फ अकेले बैठा तो ज्यादा लाइट जलाने की कोई फायदा नहीं है। अब ठीक है ऋषभ? मैं जब से आया बबुआ को अपने नहीं खिला पाया हूँ। ले लिया बेटू बाबू। अरे मेरा बेटा और पापा 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 पापा।
जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं ना, कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान भोलेनाथ हमेशा उनका साथ देते हैं। आज मैं ऐसी बुरी स्थिति से फंस चुका था, मैं ऑफिस से जैसे ही लौटा था ना भाई साहब, इतनी खतरनाक बारिश मेट्रो से निकलते होने लगी। पहले हल्की बारिश हो रही थी लेकिन जब रास्ते में पहुंचा बहुत खतरनाक होने लगी। अब जब आगे बढ़ चुके हैं तो अमित जायसवाल कहाँ पीछे हटने वाले हैं, अमित जायसवाल चल दिए, लेकिन भाई साहब डर तो अंदर फुदुक फुदुक के लग रहा था। जो स्कूटी बाइक वाले होते हैं उनको डर लगता है क्योंकि कार तेजी तेजी चलती है ना। उसी बीच ये एक्सीडेंट हो गया, जो दो लड़कियां थी उनका मैंने बताया, फिर उनकी हेल्प की, गिर गई दोनों, चोट लग गया था बेचारियों को, उठाया मैंने, और भी बाइक वाले सारे रुक गए थे लेकिन कार वाला कोई नहीं रुका। ये चीज़ मैंने गौर किया, कार वाला कोई नहीं रुका, बाइक वाले रुके, फिर सब लोग उसको उठाए और उसका फिर मैं फंस गया, मेरी नहीं स्टार्ट हुई। लेकिन बहुत अच्छा हुआ भोलेनाथ ने साथ दिया, ठीक है। कभी कितना भी बुरा कोई चाह ले लेकिन अच्छा ही हो जाता है, भगवान भोलेनाथ चाहते हैं तो इसमें बढ़िया है। और मेरा बेटू देखो, आज से सबसे पहले बेटू को खिला, अरे बेटू आज ब्लॉग डाला था बेटू, हाँ आज ब्लॉग डाला है बेटू, ब्लॉग डाले थे क्या आज, आज डाले थे ब्लॉग। सो गाइस इनका यूट्यूब चैनल है सन ऑफ अमित किट्टू जायसवाल, बहुत दिन से बताता नहीं, फिर जब बताते ना आप लोग फॉलो नहीं करते हो। इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, अभी मौजेप पे नहीं आए, ये मौजेप पे भी आ जाएंगे, इनका वेरीफाई करवा दूं पहले एक बार ना, तुम्हारा वेरीफाई करवा दूं ब्लू टिक के साथ। ये ब्लू टिक लेकर आएंगे सीधे मौजेप पे। तो गाइज सर आप अमित किट्टू जायसवाल को जरूर प्यार दीजिए, झमाझम ब्लॉग डालेंगे वहां पे, झमाझम रील्स डालेंगे ना बेटू, झमाझम ब्लॉग रील्स आएंगे ना। हाँ फ्यूचर का है सेलिब्रिटी ये, आगे चलकर पंडित जी बोल रहे थे कि भैया ये आपसे भी आगे निकलेगा और नाम बहुत रोशन करेगा, एंकर और ये सब साथे चल गए हैं। इनका नाम तो ही डला ही नहीं, रोशन कैसे करेंगे ये, इनका नाम तो डलना चाहिए। मम्मी क्या रखा जाए इनका नाम, कृषभ, हम तो कहते पैसे नाम बोले हैं, पैसे मन में ये तो बस प्रदीप मिश्रा ही, प्रदीप मिश्रा कृषभ रख दो, कृष नाना का नाम है, उससे क्या हुआ, नहीं जी प्रदीप थोड़ी नहीं रखेंगे, प्रियम, मम्मी का बस प्रियम, प्रियांक भी अच्छा नाम है, प्रियांक, प्रियांक प्रियांक हुआ हूँ, पता हूँ दो अक्षर का नाम, निक, निक रख दो, ये निक, निक, निक क्या हुआ, उनका पास नाम पड़े चाहे तू, अरे तुम निक हो क्या, कोई निक कह रहा है, कोई प्रियांक हो रहा है, कोई निक कर रहा है, इनका चोपड़ा का हस्बैंड का नहीं नाम है, निक जोनस नाम है उसका, निक जोनस ना, निक जोनस, तो इसका नाम निक रख दो बस, निक पास नाम रखेगा ना, निक थोड़ा ना, इनका नाम होता पप्पू स्वीट हाउस, इनका नाम रख दे परिवर्तन, न्यू परिवर्तन, मैंने बस जिंदगी में एक ही चीज सीखा है और देखा है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने दे सकता है, आज नहीं तो कल उसका फल आपको जरूर मिलता है। और ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ है, कभी कोई फंसा तो मैं जरूर अपनी स्कूटी से, मतलब स्कूटी ही ज्यादातर चलाता हूँ, अभी तो कार अभी चलाना सीख गया, सीख रहा हूँ, तो मैंने मदद किया है और मैंने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया है, किक मारा है तो स्टार्ट नहीं, लेकिन अंकल आ गए मुझे बहुत अच्छा लगा, भैया बोलो अंकल को मैं चेहरा सही से नहीं देख पाया, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ये तो ये भी तो मेरे लिए भगवान से कम थोड़ी नहीं, मेरे कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान कुबेर जी के रूप में आए हैं, ये लक्ष्मी मैया है, कुबेर जी इधर, कुबेर भगवान है, भोजपुरी में आत्महत्या कर दिया।